अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, वो है नंबर्स। और नंबर्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? एवरी नंबर ऑलवेज एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, वो नंबर जो हमेशा एंड होते हैं, जिनका लास्ट डिजिट होता है 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, मीन्स के 46 है। ठीक है, 46 का लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 6। 6 हमारे पास इवन नंबर है, तो वो इवन नंबर कहलाएगा। और अगर देखा जाए 45, तो लास्ट डिजिट है हमारे पास 5, और 5 हमारे पास इवन नंबर में नहीं आ रहा, तो वो 45 इवन नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एंड में आता है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 45 के एंड में 5 आ रहा है, तो वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल्स आपको नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं, 62, 84, 90, 10 and 76 all are even numbers because the unit digits of these numbers are 2, 4, 0, 6। 62 के लास्ट में 2, वो इवन नंबर कहलाता है। 84 का लास्ट डिजिट है 4, इवन नंबर कहलाता है। 90 का लास्ट डिजिट है 0, वो इवन नंबर कहलाता है। इसी तरह 10 के लास्ट में 0 और 76 के लास्ट में है हमारे पास 6, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स है। ठीक है, अब और नंबर देखते हैं, 31, 45, 73 and 85। 31 के लास्ट में 1, वो हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, 45 के लास्ट में 5, तो हमारे पास ऑड नंबर है। 73 के लास्ट में 3 और 85 के लास्ट में 5। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसलिए ये ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर आप सिर्फ ये याद रखेंगे, लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0, 2, 4, 6 और 8 इवन नंबर्स में, और ऑड नंबर में 1, 3, 7, 5, 7 and 9। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्या करना है, 6 and 7 टाइम्स टेबल है, इसको आपने अपने नीट कॉपीज में करना है। ठीक है, प्रॉपर डेट एंड डे मेंशन करके नीट एंड क्लीन अपने कॉपी पे ये काम कंप्लीट करना है।